तो बच्चों आज हम नए टॉपिक में आ चुके हैं 10.4 यस और नो 10.4 क्या बच्चों दिख रहा है 10.4 क्लियर दिख रहा है यस बढ़िया बढ़िया इसका नाम है बीई बीई का मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी का मतलब क्या है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बट यहां पे ये एक साइंटिस्ट का नाम है बर्नौलीस इक्वेशन क्या है बच्चों ये बर्नौलीस इक्वेशन अच्छा तो ये क्या है भाई इसका क्या हालचाल क्या कहानी है ये क्या बयां करेगा ये क्या बयां करेगा कुछ तो बताएगा ना जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग समझ में आया सी यानी क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बी यानी क्या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी ये सारे साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर इकट्ठा हुए हैं तो भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ये क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन अच्छा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताता है कि भले ही एरिया चेंज हो रहा है पर जो वॉल्यूम का फ्लक्स यहां से पास होगा उतना ही वॉल्यूम का फ्लक्स यहां से पास होगा यानी यहां पे अगर A1 V1 है तो यहां पे A2 V2 होगा ये दोनों सेम होंगे दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बच्चों फील हुआ यानी इसने हमने क्या देखा था AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A ऐसी बात करी थी V वर्सेस A का ग्राफ वगैरह बनाओ तो बच्चों कैसा बनेगा ऐसा क्योंकि A बढ़ेगा V घटेगा यस और नो A बढ़ेगा B घटेगा दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें ये बताता है इन यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम द वॉल्यूम पासिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट एवी इज कांस्टेंट क्या बच्चों समझ में आई हाँ के ना बोलो हाँ के ना चलो बच्चों समझ में आई बात मेरी यस और नो हाँ तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसे नॉलेज दे रहा है वैसे कुछ नॉलेज तो बी भी देगा ना बर्नौली इक्वेशन तो क्या नॉलेज देगा तो बच्चों बर्नौली का इक्वेशन एक बेस है इफ यू वांट टू स्टडी फ्लूइड डायनेमिक्स देन यू हैव टू नो अबाउट दिस टू इक्वेशन सी एंड बी और बी एंड सी बी सी ई ई कॉमन बी CE बर्नौली का इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन दिस आर द टू मोस्ट फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स CE एंड B ओके तो पूरा अगर हम लोगों को समझना है कितना वेलोसिटी कितनी डेंसिटी कितना प्रेशर है कितनी हाइट है ये सारा कौन बताएगा और उसके साथ आप ये भी यूज करो तो सारे सम आपके बढ़िया से हो जाएंगे चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बर्नौली इक्वेशन अब बर्नौली इक्वेशन विद सम कंडीशन आता है और वो कंडीशन एग्जाम में 110% आपको दिया होगा 110% गिवन दैट दिस आर द कंडीशंस कौन सी कंडीशन है तो सबसे पहले फ्लो कैसा होना चाहिए कंडीशंस फॉर फ्लो इसमें जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए नॉन विस्कस से पहले क्या आता है इरोटेशनल कैसा होना चाहिए इरोटेशनल रोटेट ना हो ऐसा स्टेडी सीधा सीधा जाए ऐसा और क्या आता था इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस ऐसा अगर फ्लो है और क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसा ही होगा तो
यानी आप स्ट्रीमलाइन फ्लो कह दो वो भी चलेगा। कौन सा फ्लो? स्ट्रीमलाइन, एक ही बात में खत्म है। स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी स्टेडी, यानी ये तीन नहीं है, यानी उसको हम बर्नौली इक्वेशन में अप्लाई कर सकेंगे। तो दिस इज द कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कंडीशन पहले ही बता दिया, कंडीशन पहले ही बता दी। एक ऐसी कंडीशन है, इफ यू वांट टू स्टडी ऑनलाइन देन यू हैव टू रिचार्ज मोबाइल और वाईफाई, कुछ भी रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करे बिना सर हम पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, कैसे? इम्पॉसिबल। तो दिस आर दी, हाँ, ये सारी कंडीशन स्टडी, इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, जो चार मैंने टाइप बताए थे याद आए, उसमें चार में स्टडी के अलावा सारे उल्टे, हाँ होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, फ्लो ऐसा होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ग्राउंड है बच्चों, और बर्नौली जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक पाइप ले ली, और वो पाइप कुछ इस तरह से ली, ठीक है, ली भाई, पूरी लंबी पाइप थी, हमने कुछ इस तरह से बताई है, कोई एक पाइप है, दिस इज द पार्ट ऑफ द पाइप, यस और नो? उसमें यहां पे जो हाइट है वो एच वन है, यहां पे जो हाइट है वो एच टू है, पक्का? एक पाइप, लंबी पाइप तो देखी होगी ना आपने, उस पाइप को आप बीच में से उठा दो तो ये शेप बन गया। अरे हाँ के ना, हाँ के ना, ऐसा शेप बन गया। कई लोग सोचे कि ये क्या बना रहे हैं, इतना मत सोचो। एक पाइप है, उसको हाथ से पकड़ के उचक लो, घर में पाइप होगी ना, उसको प्लास्टिक वाली ऐसे उचक लो, ये शेप बन जाए, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या बातें हो रही है, क्या बात हो रही? इधर एरिया ए वन, इधर एरिया ए टू, इधर वेलोसिटी वी वन, इधर वेलोसिटी वी टू, ये तो हम पहले भी पढ़े हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसी बात कर रहे हैं लगता है सर। ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू, अरे हाँ यस, चलो ठीक। इसमें यहां के प्रेशर ई वन और इधर प्रेशर, ध्यान से देखना मेरे तीर को, ये पी वन है, ये पी टू है, तो फ्लूइड किधर चढ़ेगा बताओ? या तो वो ऐसे आएगा या तो वो ऐसे आएगा, यस और नो? अच्छा, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, तो बर्नौली इक्वेशन में हम मान लेते हैं भाई पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, तो बताओ किधर फ्लूइड जाएगा, अपसाइड या डाउन साइड? पी वन ज्यादा है, कौन जाता है? पी वन, तो किधर फ्लूड जाएगा, अप या डाउन? बताओ, मैसेज करो। पी वन ज्यादा है, अप जाएगा ना बच्चों, पी वन ज्यादा है, अप, यस, सिंपल लॉजिक। मान लो यहां से फ्लूड ऐसे जा रहा है, तो जो फ्लूड जा रहा है उसको जाने के लिए वर्क होगा, वर्क होगा, तो यहां से यहां पहुंचता है तो हाइट चेंज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और वो मोशन में है तो कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। बोलो हाँ के ना, अरे हाँ के ना, यस 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 यस, समझ में आ रहा है। तो सर आप पहले वर्क बोले, फिर आप दो एनर्जी की बात कर रहे हो, क्या सठिया गए हो? दिमाग सही है कि नहीं सर? चैप्टर 10 में आप चैप्टर 6 की बात कर रहे हो, ऐसा कोई थियरम है उसकी बात कर रहे हो? क्या उस थियरम का कोई नाम है? हाँ, कुछ नाम है उस थ्योरम का, बताओ क्या नाम है, सोचो। वर्क भी हुआ, एनर्जी भी है, तो
तो ऐसे एक थ्योरम पढ़े थे, यस WET वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये उसी दिशा में जाएंगे हम लोग। चलो तो फटाफट पहले वर्क की बात करते हैं। हम लोग इसको प्रूव करने के लिए स्टेप वन में वर्क फाइंड करेंगे, स्टेप टू में एनर्जी फाइंड करेंगे, स्टेप थ्री में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कौन सा इक्वेशन ले लेंगे, बर्नौलीस इक्वेशन। वेरी सिंपल थ्री स्टेप। फर्स्ट स्टेप वर्क फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप एनर्जी फाइंड करेंगे, थर्ड स्टेप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के बर्नौली फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल, नोट कर लेना, अभी नोट कर लो। पहली स्टेप वर्क, दूसरी स्टेप एनर्जी, तीसरी स्टेप वर्क एनर्जी थ्योरम। तीन स्टेप देखो, पहले ही स्टार्ट करने से पहले थ्योरी पहले लिख दो। चलो तो बताते हैं वर्क कितना। तो यहां पे पहले आपको फोर्स फाइंड करना होगा। F1 क्या होगा बच्चों? तो P1 into E1 सही है, क्या मैं सही लिख रहा हूं? Yes or no? F is equal to क्या होगा? P1 into E1 सीधी बात है भाई। P1 into क्या होगा? E1 सही है। F2 क्या होगा? E2 into E2 यहाँ पे फोर्स कितना होगा? P2 into E2 यहाँ पे फोर्स कितना होगा? P1 into E1 सही समझ में आ रहा है। अच्छा फिर वर्क क्या होगा? वर्क एट वन F1। अच्छा रुको, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये फ्लूइड इधर गया, मानो इतना डिस्टेंस कवर किया। V1 स्पीड से डेल्टा टाइम में T में इतना गया, डेल्टा T टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? V1 डेल्टा T स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली ये भी यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ आया इतना पार्ट, ये इतना पार्ट यहाँ से यहाँ, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? V2 से V2 डेल्टा T। पक्का के नहीं बोलो, फील हुआ के नहीं? अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो V1 डेल्टा T डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे फ्लूइड आगे बढ़ेगा कि नहीं? कितना बढ़ेगा? V2 डेल्टा T पक्का। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए मैंने वर्क से पहले डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मैं लिखता हूँ टोटल वर्क। यहाँ पे आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट 1 कितने हुए बच्चों? V1 डेल्टा T। डिस्प्लेसमेंट 2 V2 डेल्टा T। समझ में आ रहा है ना? ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल वर्क, डायरेक्ट लॉजिक, टोटल वर्क क्या होगा भाई? W बराबर W1 प्लस W2। क्या बच्चों? वर्क का इक्वेशन FD cos थीटा, हाँ के ना? क्या बच्चों वर्क का इक्वेशन FD cos थीटा? तो पहले वर्क के लिए बात करें तो फोर्स कितना है? E1 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? V1 डेल्टा T। F1 D1 ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्या बच्चों समझ में आया? यस और नो मैसेज करो फास्ट, यस और नो। क्या बच्चों यहां पे फोर्स P2 A2 और डिस्प्लेसमेंट V2 डेल्टा T? क्या बच्चों समझ में आ रहा है? यस और नो? यस समझ में आ रहा है ना? अच्छा क्या ये प्लस क्यों? फोर्स F1 और डिस्प्लेसमेंट D1, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, यानी पॉजिटिव। क्या ये वाला वर्क नेगेटिव? क्यों? फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, हाँ के ना? P2 इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। यस और नो? एग्री और नो? यस। समझ में आया? नेगेटिव। अब क्या बच्चों एक और बात इसमें सीखेंगे, ध्यान से देखो, दिस इज अवर, बट इसमें आप एक बात सीखने वाले हो, ध्यान से देखना है। P1 डेल्टा T, सॉरी डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V,
व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम यहां पे पास होगा उतना ही यहां पे जाएगा, आगे ना। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू, यस और नो? आगे ना, एरिया इनटू लेंथ सेम वॉल्यूम पास होगा तो आंसर क्या आएगा? P1 माइनस P2 इनटू डेल्टा वी, दिस इज द टोटल वर्क। क्या बच्चों फील हुआ कि नहीं? क्या बच्चों ये समझ में आया? बोलो जल्दी। आगे चलते हैं बच्चों, डाउट क्लियर हो गया, अब कोई डाउट रहा ही नहीं सर। तो वर्क हो गया, बढ़िया। तो वर्क का इक्वेशन आ गया। अब स्टेप टू में हम क्या बात करेंगे बच्चों? एनर्जी। तो मेरे बच्चों बताओ मुझे, एनर्जी कितनी मैंने बात की आपसे, एक या दो? तो सर आपने दो बताई। पहले हम बात करते हैं पीई। व्हाट इज पीई? भाई चेंज इन एनर्जी, एनर्जी चेंज लिखता हूं, चेंज इन एनर्जी। पीई में हम क्या बात करेंगे? पीई। तो क्या बच्चों डेल्टा यू लिखेंगे? क्या डेल्टा यू लिखेंगे? यस और नो? डेल्टा यू का मतलब क्या? U2 माइनस U1, इसका मतलब क्या? MgH2 माइनस MgH1। क्या बच्चों समझ में आया? जो फ्लूइड का पार्ट यहां पे आया उसकी अब पोटेंशियल एनर्जी MgH2 हो गई, यहां पे कितनी थी? MgH1। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? यस। यहां पे ρ2 डेल्टा V2 डेटा भी GH2। अरे बाप रे, ये क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आया। मास यानी क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यस और नो? हाँ के ना, यस और नो? यस और नो मैसेज फास्ट। यस। क्या बच्चों यहाँ पे G, क्या बच्चों यहाँ पे H2 माइनस यहाँ पे ρ1 डेटा भी GH1। अच्छा, क्या कॉमन क्या? आप कहोगे सर डेल्टा बी कॉमन है और जी भी है, पर मैं जी कॉमन नहीं लूंगा। ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बच्चों फील हुआ? A1 V1 डेल्टा टी, जो डेल्टा वी है यानी वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम इधर भी रहेगा, टू पे भी रहेगा और वन पे भी रहेगा, से। चलो ठीक। अब दूसरा कौन सा आएगा? काइनेटिक एनर्जी का चेंज डेल्टा के, डेल्टा के क्या होगा? A2 माइनस A1, यस और नो बच्चों? A2 माइनस A1, A2 का क्या होगा? हाफ Mv2 स्क्वायर। तो m क्या रहेगा? ρ2, यहां पे 2 है, यहां पे 1, तो ρ2, 2 है इसलिए 2, 1 है इसलिए 1, सिंपल। ρ2 डेल्टा v, ये मास हो गया और वेलोसिटी स्मॉल v में लिख रहा हूं, v2 स्क्वायर माइनस हाफ ρ1 डेल्टा v1 स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आया? डायरेक्टली हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आया? यस और नो? मास की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या लिख रहा हूं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज द मास। ओके, अच्छा, वॉल्यूम फिर से यहां पे कॉमन, हाफ ρ2v2 स्क्वायर माइनस हाफ ρ1V1 स्क्वायर। आप कहोगे सर आपने फिर से कुछ अलग किया, क्या अलग किया? आपने हाफ कॉमन नहीं निकाला, इसका लॉजिक है बच्चों, समझेंगे हम लोग। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये कंसेप्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट है। बोलो समझ में आया? लल्लू जैसा है, लल्लू।
मास का इक्वेशन क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सर ने वही किया है, m2 यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, m1 यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पे डेंसिटी मान लो रो 1 है, यहां पे डेंसिटी चेंज होता है, ऐसा मानते हैं तो मान लो रो 2 हो जाए, ठीक है पक्का। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आ गया है। चलो बच्चों दोनों स्टेप क्लियर, दिस इज टोटल वर्क, दिस इज टोटल एनर्जी। अगर जी नीट सोच रहे हो तो ये प्रोसीजर समझो, याद या रट्टा लगाने की कोई जरूरत और चिंता करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ फिर से वो क्वेश्चन, सर आपने यहाँ पे जी भी कॉमन नहीं निकाला, आपने यहाँ पे हाफ भी कॉमन नहीं निकाला, इसका लॉजिक है बच्चों। ये समझ में आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे माइनस किया क्योंकि ये फोर्स ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहे ऑपोजिट, यहाँ पे प्लस, फिर सिंपल। वॉल्यूम कितना आएगा भाई, ए वन बी वन डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम पास होगा, इतना, और यहाँ पे उतना ही होगा, दोनों सेम होंगे, ठीक। चलो इसको हटा देता हूं क्योंकि स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा भाई, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल एनर्जी चेंज, ओ सॉरी यू, या यू पहले लिखते हैं यू प्लस के, इसका थोड़ा मतलब निकल रहे हैं यू के, ना वर्क इज इक्वल यू प्लस के, यू के। अच्छा टोटल वर्क क्या है, टी वन माइनस टी टू डेल्टा वी इज इक्वल टू, या गया यहां पे डेल्टा यू और डेल्टा के का एडिशन, ओके ना। पर उन दोनों में भी एक चीज कॉमन लूंगा मैं, डेल्टा वी, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिखना हूं बच्चों, समझ जाना, घबराना मत। पहले रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन प्लस दिस इज डेल्टा यू, ओके। और यहां पे डेल्टा के में क्या लिखेंगे लोग, हाफ रो टू बी टू स्क्वायर प्लस हाफ सॉरी माइनस ना, यस माइनस हाफ रो वन बी वन स्क्वायर, और इन दोनों के एडिशन में से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, डेल्टा वी। अच्छा अब पता चला कि वर्क में सिर्फ डेल्टा वी कॉमन था, इसी दोनों में मैंने सिर्फ क्या कॉमन निकाला, समझ में आया, डेल्टा वी। आपका जो डाउट था यहाँ पे, सर यहाँ पे जी कॉमन आएगा, आएगा पर नहीं निकालेंगे, लॉजिक था। यहाँ पे भी हाफ कॉमन आएगा, नहीं निकाला, क्यों, लॉजिक था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ डेल्टा वी है तो राइट हैंड साइड भी हमें डेल्टा वी ही लाना है। बोलो समझ में आया, मैसेज करो फास्ट, लाइव क्लास का मैसेज होना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी, समझ में आया, यस। हाँ प्रिंस तेरा डाउट था ना, प्रिंस का मैसेज नहीं आया, प्रिंस अभी भी डाउट है क्या, राजा जी, राजा, यस नहीं डाउट है, चलो ठीक। तो डेल्टा भी मर गया। अब देखो, अब कहो सब कुछ दिख रहा है, देखो वन टू टू वन टू वन, अरे यार यानी हर इक्वेशन में वन टू है आगे ना, पर यहाँ पे वन टू दोनों है, यहाँ पे भी वन टू दोनों मिक्स है, क्या मिक्स अच्छा लगेगा, नहीं नहीं मिक्स अच्छा नहीं लगेगा, ये अलग रखो ये अलग रखो आगे ना, अलग अलग में अच्छा रहता है, मिक्स थोड़ा डिफिकल्ट रखता है, लगता है याद रखने में, तो अलग अलग करो, तो वन वाले एक साइड लेके आ जाओ, हाँ लड़के एक साइड चले जाओ, लड़कियां एक साइड रहो, मिक्स अच्छा नहीं लगता। फिर कई लोग सोचेंगे सर ने ये एग्जाम्पल दिया तो फिर तो खिचड़ी में तो सब कुछ मिक्स होता है, वो तो अच्छी लगती है, तो बच्चों मिक्स अपनी जगह अच्छा भी लगता है, हाँ अपनी जगह मिक्स अच्छा भी लगता है, पर कई जगह अलग अलग रखने में भी भलाई है। क्या बच्चों क्लियर दिख रहा है, हाँ हम रोटी सब्जी खाते हैं ना, तो रोटी और सब्जी अलग अलग अच्छा लगे,
उसको उसमें डाल दिया, ऐसा ये कुछ चीजें अलग अच्छी लगती है। उसी तरह हमारा माइंड है, हमारा माइंड ये बहुत जल्दी पकड़ता है, क्या बहुत जल्दी पकड़ता है कि वन कहाँ है, टू कहाँ है, हाँ के ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, वन वाले एक साइड रख लो और टू वाले एक साइड। तो यहाँ पे पी वन आ गया, तो इधर से माइनस रो जी एच वन उठाओ तो प्लस रो जी एच वन आ गया, और इसको रो वन कह दो। चलो रो वन क्या कह दो, रो वन, यस और नो? इंटेंसिटी थोड़ा वेरिएबल हो रही है रिकॉर्डिंग में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये पता नहीं क्या करने लग गई है। पता नहीं, रुको बच्चों। चलो क्लियर ना? हाँ आप सही है, ठीक है। हमने ट्यूबलाइट ऑन कर दी, अब ये भी नाटक कर रही है थोड़ी सी। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया नाटक कर रही है। अच्छा दिख तो रहा है ना? यस, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा इससे एडजस्ट कर लेते हैं। चलो रिकॉर्डिंग में भी दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ओके चलो कोई नहीं, थोड़ा देख लेते हैं, बोल देते हैं यार। चलो बढ़िया है, ओके। तो मैंने वन वाला एक साइड लेके आ गया, दूसरी क्या रहा है यहाँ पे, हाफ रो वी स्क्वायर, समझ में आया? इसी तरह टू वाले सारे इधर, तो ये पी टू इधर आ जाएगा, पी टू प्लस रो रो टू जी एच टू प्लस हाफ रो टू वी टू स्क्वायर। क्या बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? क्या बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? देखो तो सेम टू सेम आ रहा है सब कुछ, यस और नो? यस और नो? हाँ के ना? यस, सब कुछ सेम आ रहा है, तो सब कुछ सेम, दोनों साइड सेम दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। अब बच्चों यहां पे आपको एक और बात सीखनी है, क्या कि बच्चों रो वन और रो टू तो सेम रहेगा, क्यों? यहां से जो फ्लूइड पास होगा वो यहां पे सेम ही आएगा ना, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि इनकंप्रेसिबल बोला है। यस, तो क्या इसको मैं ऐसे कर दूं? एग्री और नॉट? अब आप कहोगे सर रो भी आपने कॉमन नहीं निकाला था अगर सेम है तो। यस बच्चों, मैंने नहीं निकाला। मैंने क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ऐसा एक इक्वेशन बनेगा, तो इस इक्वेशन को देख के आप क्या कह सकते हो? देखो P1 रो जी एच वन प्लस हाफ रो वन वी वन स्क्वायर, सिमिलरली P2 प्लस रो जी एच टू हाफ रो टू वी टू स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट है? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। क्या बच्चों समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। यस और नो बच्चों, बिल्कुल फील हुआ? हाँ के ना मेरे बच्चों, मैसेज करो। अब इसको आपको याद रखना है, क्या ये प्रेशर है? क्या ये भी प्रेशर है? अरे गेज प्रेशर, रो जी एच प्रेशर, पी प्लस रो जी एच गेज प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। क्या बच्चों समझ? चलो बच्चों समझ में आया? यस और नो? पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आया? याद रह जाएगा? ओके अब इस इक्वेशन में व्हाट इज रो जी एच? तो रो जी एच को मैं एक नाम देता हूं, क्या? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बच्चों एग्री? क्या नाम दे रहा हूं मैं रो जी एच को? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, समझ में आया कि नहीं बोलो, क्या इसका मैं प्रूफ दूं आपको? प्रूफ देता हूं, देखो रो जी एच बराबर मास डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इनटू जी एच। व्हाट इज एनजी एच? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो समझ में आया? मैसेज करो यस और नो। यस समझ में आया। दूसरी बात करते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा? हाफ रो वी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों सेम है, देखो कैसे, इसका भी मैं आपको प्रूफ देता हूं। प्रूफ ये है बच्चों, हाफ रो वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी, हाफ रो की जगह मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वी स्क्वायर तो था, हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी नीचे वॉल्यूम। क्या बच्चों सेम? क्या समझ में आया? आगे ना क्लियर के नहीं तो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो बच्चों स्क्रीनशॉट डन, ओके चलो कोई डाउट भी नहीं है इसमें। अब देखो ये अपना इक्वेशन आ गया, स्टेप थी हमारी खत्म हो गई। अब एक और बात, चलो बच्चों अब देखो एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। रो इंटू जी ये मैं लिख रहा हूं, रो इंटू जी इसको हम बोलेंगे वेट डेंसिटी। क्या बोलेंगे? वेट डेंसिटी। कैसे? इसका भी मैं प्रूफ दूंगा। प्रूफ क्या है? रो इंटू जी इक्वल्स टू रो की जगह मास अपॉन वॉल्यूम और जी एम जी यानी क्या हो गया? वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम यानी वेट डेंसिटी। यस और नो? वेट अपॉन वॉल्यूम वेट डेंसिटी हो गया। अच्छा वेट डेंसिटी क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे? देखो तो ज्यादातर जो फ्लूड होते हैं, फ्लूड और उनमें भी लिक्विड, उनके लिए लिक्विड में रो जी कॉन्स्टेंट होता है। रो और जी क्या होता है? कॉन्स्टेंट। रो जी कॉन्स्टेंट होगा, यस और नो? आके ना। तो बच्चों मैंने आपको वेट डेंसिटी बताई रोजी, क्योंकि रोजी इज कॉन्स्टेंट इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स। सभी लिक्विड में रोजी कॉन्स्टेंट होती है, क्योंकि लिक्विड वो कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल। इसीलिए उसमें रोजी क्या हो जाएगी? कॉन्स्टेंट। अगर लिक्विड का केस है तो रो डेंसिटी इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है? डेंसिटी क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट, उसी को तो इनकंप्रेसिबल बोलेंगे। और डेंसिटी कॉन्स्टेंट तो रो इनटू जी, जी भी कॉन्स्टेंट मानते हैं तो दोनों कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, रो जी इज कॉन्स्टेंट, इसको बोलेंगे वेट डेंसिटी। अच्छा इसका यूनिट बताओ, वेट अपॉन वॉल्यूम यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, एग्री? वेट डेंसिटी मैंने आपको समझाई, दिमाग में उतरी के लिए, हां के ना बताओ, वेट डेंसिटी आपको दिमाग में उतरी? यस। अच्छा ऐसा क्यों बताया? तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस और नो? डिवाइड बाय रो जी। क्यों रो जी? क्योंकि वो वेट डेंसिटी और वो कॉन्स्टेंट है, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? पी अपॉन रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इज इक्वल टू, अगेन दिस इज कॉन्स्टेंट बिकॉज रो जी इज कॉन्स्टेंट एंड इफ यू डिवाइड एनी कॉन्स्टेंट बाय कॉन्स्टेंट वी विल गेट अगेन कॉन्स्टेंट, ओके विद न्यू वैल्यू बट इट इज अ कॉन्स्टेंट। क्या बच्चों ये एग्री हुए सब लोग? समझ में आ रहा है? एग्री और नॉट? इसको रोजी से डिवाइड किया है तो उसे क्या मिल गया? देखो ये सारे जो थे
इन सारे का यूनिट अब क्या हो गया, ये हाइट यानी ये मीटर, तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, इन सभी का यूनिट क्या हो गया मीटर। इधर इन सब का यूनिट क्या था, ये अगर प्रेशर है तो इसका पास्कल, इसका पास्कल, इसका भी पास्कल और इसका भी पास्कल। समझ में आया? चैप्टर टू यूनिट एंड मेजरमेंट। हाँ याद आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? सेम होगा, डायमेंशनल एनालिसिस, इसका जितना यूनिट सभी का सेम होगा, तभी तो ऐड होगा। 5 किलो और 5 मीटर ऐड नहीं होंगे, पर 5 किलो 5 किलो ऐड होगा। दिस इज द लॉजिक। अच्छा, तो अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि पी अपॉन रो जी है ना, इसको बोला है प्रेशर हेड। क्या बोला है? प्रेशर हेड। एच को बोलते हैं एलिवेशन हेड और एलिवेशन, और वी स्क्वायर अपॉन टू जी को बोलते हैं वेलोसिटी हेड। सबके पीछे हेड हेड लगते हैं, सॉरी, प्रेशर अपॉन रो जी प्रेशर हेड, वेलोसिटी अपॉन रो जी टू जी तो वेलोसिटी हेड, तो ये एलिवेशन है। इन सभी का यूनिट क्या है? मीटर। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर हेड हेड क्यों आए, तो यानी जब ये फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है और इंडस्ट्रीज में अगर ये यूज होता है, तो जब फ्लूइड पास होता है तो कई ट्यूब लगाई जाती है जहां पे प्रेशर वेलोसिटी इनका हिसाब लगाने के, उनमें कितना फ्लूइड राइज हो रहा है, यानी वो कितना हेड बन रहा है प्रेशर के लिए वेलोसिटी के लिए, तो वो हेड्स होते हैं। जो लेंथ एक तरह की हाइट होती है, तो हाइट के लिए यूनिट क्या बनना चाहिए? मीटर। मीटर मीटर तो सभी का मीटर बन रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर के नहीं? स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका जल्दी से। तो बच्चों यहां पे हमारा बर्नौलीस इक्वेशन की थियरी कंप्लीट हो गई पूरी की पूरी। अब आपको क्या याद रखना है सर, यहां पे इतना सब आपने पढ़ा दिया, क्या याद रखनी है? तो याद रखने की बातें लिख देते हैं हम लोग यहां पे। पहली बात ये है, दूसरी बात बर्नौली इक्वेशन P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात याद रखनी है। तीसरी बात क्या है? रो इंटू जी क्या होती है भाई? वेट डेंसिटी। और चौथी बात P अपॉन रो जी प्लस H प्लस हाफ, सॉरी नॉट हाफ, स्क्वायर अपॉन टू जी इज इक्वल टू अगेन कॉन्स्टेंट। और इनमें इसको क्या बोला गया? प्रेशर हेड, इसको बोला गया एलिवेशन, इसको बोला गया वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी है इसलिए वेलोसिटी है, ठीक है। इसको क्या बोला गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोला गया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो क्लियर? क्या बच्चों इतना याद रख सकते हो? दिस इज द सिंपल लॉजिक फॉर बर्नौलीस इक्वेशन। इफ यू वांट टू अटेंड सम्स तो सिर्फ इतना याद रखना है। बोलो आया कि नहीं बच्चों? व्हाट इज बर्नौलीस इक्वेशन? पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। पक्का? पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।